हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का वीडियो इज गोना बी अ वेरी डिफरेंट वीडियो बिकॉज आई हैव नेवर डन एनी वीडियो ऑन लाइक मेकअप ट्यूटोरियल। दिस आई एम वेरी ओपन फॉर सजेशंस, फॉर कमेंट्स, फॉर रिव्यूज। मुझे डेफिनेटली आप लोग बताइएगा कि आपको इस वीडियो में क्या लगा, कैसा लगा एंड क्या आपको लगता है कि मुझे वीडियो में इंप्रूव करना चाहिए। डेफिनेटली आई एम नॉट अ लाइक एक्सपर्ट व्हेन इट कम्स टू मेकअप। दिस इज समथिंग विच आई एम लर्निंग एंड आई एम प्रैक्टिसिंग इट। और मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मुझे बहुत अच्छा मेकअप करना आ जाए, बट मुझे अभी भी लगता है कि देर इज़ अ लॉट ऑफ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट एंड आई डेफिनेटली वर्क ऑन दैट। बट येस, सो अगर आप लोग को देखना है कि मैंने ये मेकअप लुक कैसे अचीव किया है, देन जस्ट कीप ऑन वॉचिंग। सो विदाउट फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, टू स्टार्ट विद आई एम यूजिंग दिस क्रीम बाय बॉबी ब्राउन। वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रेप योर स्किन बिफोर एक्चुअली गेटिंग इन टू मेकअप। सो आई एम गोना यूज दिस क्रीम। नाउ आई एम गोना यूज वैसलीन का लिप बाम। दिस इज द बेस्ट लिप बाम एट वेरी अफोर्डेबल रेंज। इसके अलावा आपको किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं है। सो आई एम गोना अप्लाई दैट ऑन माई लिप्स ताकि मेरे लिप्स पे लिपस्टिक पैची ना लगे। और काइंड ऑफ आपको इसको स्क्रब करना है, मतलब जो भी आपका फ्लेकीनेस है या डेड स्किन है उसको कोशिश करना है कि रिमूव हो जाए इसको लगाने के बाद। सो फॉर द प्राइमर आई एम यूजिंग दिस बेनिफिट का पोर प्रोफेशनल। दिस इज पोर प्राइमर। आई हैव रियली लार्ज पोर्स अराउंड माई नोज एरिया, तो उसके लिए दिस वर्क्स परफेक्ट एंड दैट्स वाई आई ऑलवेज यूज दिस वन। आई ट्राई टू काइंड ऑफ पुश इट इन टू माई स्किन ताकि जो पोर्स हैं उसमें ही अच्छे से फिल हो जाए और पोर्स बहुत ज़्यादा विजिबल ना हों फाउंडेशन लगाने के बाद। सो नाउ सबसे पहले मैं अपना आई मेकअप करूँगी, उसके बाद बाकी सारा मेकअप, बिकॉज मैं नहीं चाहती कि जो भी फॉल आउट है वो मेरे मेकअप पे गिरे एंड देन मुझे उसको फिर से साफ करना हो। सो सबसे पहले मैं अपने आईलिड पे कंसीलर लगाऊंगी बिकॉज मेरे डार्क सर्कल्स काफ़ी ज़्यादा हैं एंड इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि जो मेरा आई मेकअप है वो काफ़ी स्मूथ लगे, I'm using this Pro Conceal, LA Pro Conceal. This is a very famous concealer and I'm very sure कि आपने बहुत सारे लोगों को इसको use करते हुए देखा होगा. So this one matches with my skin color. तो इसीलिए मैं इसको ऊपर भी use कर रही हूँ because मुझे ऐसा कुछ highlight नहीं करना है. I just want a smooth base for my eye makeup. This is my Damped Beauty Blender. आपको इसको अच्छे से पानी में निचोड़ के लेके आना है ताकि जो आपका मेकअप है वो काफ़ी स्मूथली ब्लेंड हो जाए एंड देन आई एम गोना ब्लेंड माय कंसीलर। नाउ द पैलेट आई एम गोना यूज इज दिस वन बाय हुडा ब्यूटी। दिस इज देयर द न्यू न्यूड पैलेट एंड दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। इट हैज़ वेरी बेसिक सटल शेड्स, मतलब मुझे लगता है कि अगर आप किसी एक ही अच्छे पैलेट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं देन दिस वन इज़ रियली ग्रेट बिकॉज इसमें आपको मोस्टली जो भी न्यूड शेड्स हैं वो सारे मिल जाएंगे विथ लिटिल बिट ऑफ ग्लिटर्स हेयर एंड देयर। तो जो भी फुल ग्लैम लुक है वो भी आपका इसमें बन सकता है और आप बेसिक जो नॉर्मल आई लुक करना चाहते हैं वो भी इसमें हो सकता है। सो आई एम गोना स्टार्ट विथ अ वेरी बेसिक शेड जो कि मेरी स्किन से मैच हो सके। सो दिस इज़ द वन आई एम गोना यूज फर्स्ट। द शेड नेम इज कंसील्ड एंड दिस इज द वन। ब्रश आई एम यूजिंग इज BH Cosmetics बाय BH Cosmetics और ये जो आईज़ के लिए थोड़ा सा फ्लफी वाला मैं ब्रश यूज़ कर रही हूँ बिकॉज मेरे को अभी पूरा बेस अपना वो करना है। मैं नहीं चाहती कि कहीं पर भी मेरा जो शैडो है वो ज़्यादा डिपॉजिट हो। सो यू नीड टू टेक अ फ्लफी ब्रश फॉर दिस एंड व्हाट यू नीड टू डू, लेट मी जस्ट टेक इट ऑफ एंड देन यू हैव टू जस्ट यू नो मेक श्योर कि आप इसको पूरा अच्छे से यहाँ पे अप्लाई कर लें, डस्ट ऑफ द एक्सेस एंड जस्ट अप्लाई इट। बेसिकली इस वाले कलर में आपको कोई भी कलर नहीं दिखेगा बिकॉज हमें कलर नहीं चाहिए, वी जस्ट वॉन्ट टू मेक श्योर कि जो आपका आईलिड है वो एकदम स्मूथ बेस लगे आपका बाकी उसको अप्लाई करने के लिए। बाकी आई एम गोना टेक अ लिटिल डार्कर शेड। द शेड हेयर इज टेडी एंड दिस इज द वन। सो आई एम गोना टेक दिस ऑन द फ्लफी ब्रश आई हैव, डस्ट ऑफ द एक्सेस एंड जस्ट अप्लाई इट लाइक दैट। मतलब बेसिकली एक बहुत ही हल्का सा मुझे टेंट चाहिए अपने आई शेडो में ऑफ लाइक पिंक आई वुड से एंड इसलिए आई एम अप्लाइंग दिस वन। सो मना यूज दिस शेड स्पैंक्ड एंड दिस इज द वन।
एंड मैं सेम ही ब्रश इसको यूज़ करने वाली हूँ, बिकॉज मुझे बस चाहिए कि थोड़ा सा मेरा जो कलर है वो थोड़ा सा और डार्क हो जाए. सो आई एम गोना यूज़ दिस वन ओनली एंड जस्ट अप्लाई इट लाइक दैट. दिस कलर आई एम गोना अप्लाई ऑल ओवर, ताकि जो बेस है वो पूरा ऐसे पिंक टोन में आ जाए. एंड इफ़ यू आर नॉट गुड एट मेकअप देन ट्राई यूजिंग दीज फ्लफी ब्रशेज, बिकॉज इससे क्या होता है ना कि आपका मेकअप एक जगह पर डिपॉजिट नहीं होता है, बिकॉज अदरवाइज उसको ब्लेंड करना वुड बी वेरी डिफिकल्ट. सो ट्राई यूजिंग दीज फ्लफी ब्रशेज, ताकि आपका जो मेकअप है वो ईजिली यू नो थोड़ा सा स्प्रेड आउट, मतलब ऑब्वियसली ऐसा नहीं कि आप कहीं भी उसको निकाल देंगे, बट मेक श्योर कि थोड़ा सा यू नो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड लगे. ओके, सो नाउ द पिंक बेस इज रेडी एंड दिस इज वॉट एग्जैक्टली आई वॉज लुकिंग फॉर. नाउ द थिंग आई एम गोना डू इज आई एम गोना टेक अ डार्कर शेड, जो कि मैं क्रीज पे लगाने वाली हूँ, आई मीन आउटर कॉर्नर पे लगाने वाली हूँ अपनी आईज के. एंड आई एम गोना चेंज माई ब्रश एज वेल, बिकॉज मुझे नहीं चाहिए कि ये फ्लफी ब्रश की वजह से जो मैं जहाँ भी डिपॉजिट करना चाहती हूँ वहाँ ना हो और बाकी जगह पे हो जाए. सो आई एम गोना टेक अ लाइक अ वेरी प्रिसाइज ब्रश, दिस काइंड ऑफ ब्रश, जिससे आप क्या कर सकते हो कि आप एक जगह पे बहुत अच्छे से डिपॉजिट कर सकते हो अपने आई शेडो. वी आर मोर इन टू पिंक्स टूडे, सो आई थिंक आई एम गोना गो विथ दिस कलर. दिस इज अ लिटिल बिट ऑफ पर्पल बट अ वेरी कूल हिंट ऑफ पिंक ओनली. सो आई एम गोना ट्राई दिस वन एंड टेक इट ऑन माई ब्रश, deposit all the extra and just put it over here like that, just to give it a little dark like shadow of the same color. मतलब इससे क्या होगा ना कि basically आपका जो pink है उसी का आपको ऐसा लगना चाहिए कि आपने यहाँ पे shadow create की है आपके outer corners पे. Now I know why people do voiceover on makeup videos, because it's very difficult to talk and do makeup at the same time, and this is how it looks on my eyes. So little bit of shadow here and there. So I think this is pretty much what I wanted, but I'm gonna make it a little dark. So I'm gonna take it like that. You have to just make sure that your brush is very precise for this thing, because otherwise you know spread out ho jayega thoda sa zyada. Now because I think thoda sa harsh ho gaya, so I'm gonna just blend it using the old brush which I have, टू गिव इट लिटल बिट लाइक, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि अलग से मैंने कुछ ऐसे क्रीज क्रिएट किया है. जस्ट वॉन्ट टू मेक श्योर कि ईजिली मतलब अच्छे से ब्लेंडेड है सब कुछ. टेक दिस शेड किंकी, दिस इज द वन, नो लास्ट वन, दिस इज द वन. आई एम गोना टेक दिस वन एंड अप्लाई इट ऑन सेंटर ऑफ माई लिड, जस्ट टू गिव लिटल बिट ऑफ यू नो एक्स्ट्रा, बिकॉज इस पर बहुत ही हल्का सा स्पार्कल वाला इफेक्ट है. तो मुझे ब्रश को जनरली लोग क्या करते हैं कि सेटिंग स्प्रे से स्प्रे करते हैं ब्रश को, अगर आप बहुत ज़्यादा हाईलाइटर ग्लिटर वाला आई शेडो यूज़ कर रहे हैं, बट बिकॉज सिंस दिस वन इज़ वेरी सेटल वन और ईजिली ब्रश पे आ जा रहा है, तो आई डोंट नीड टू अप्लाई एनी सेटिंग स्प्रे फॉर दैट. बट आप कर सकते हो अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा कम क्वान्टिटी में आपके ब्रश पे आ रहा है. तो टेक अनदर ब्रश विच इज लिटिल मोर प्रिसाइज देन द अदर वन, जो कि मैं फ्लफी ब्रश यूज करती हूँ. एंड ओह माय गॉड, दिस इज टू प्रिसाइज आई गेस. एंड आई एम गोना अप्लाई द सेम कलर ऑन माई लोअर लैश लाइन. ओके, सो माई वेरी सटल आई मेकअप इज डन. नाउ आई एम गोना अप्लाई माई फाउंडेशन. सो फॉर माई फाउंडेशन आई एम यूजिंग दिस लॉरियल का इनफेलेबल फाउंडेशन. This one is really good if you are an oily skin type, and my shade is 103 Natural Buff. It exactly matches with my skin color, and this one doesn't oxidize. So, जो भी आप जिस time पे apply करेंगे वो ये वैसा ही रहने वाला है, which is great. So I'm gonna take a little bit of this foundation on my hand, and I'm gonna use the beauty blender. Okay, so now I think the foundation is perfectly blended. Now I'm gonna apply concealer on my dark circles to cover it up. The concealer I'm using is this one by BU. This is a light reflecting concealer. This one is one shade lighter than my skin tone, and that's why it's perfect for, you know,
फॉर हाइडिंग योर डार्क सर्कल्स. एंड मुझे कंसीलर बाकी कहीं पे भी लगाना पसंद नहीं है, मतलब ऐसे हाईलाइट करना और कुछ भी करना, बिकॉज मुझे एक तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अभी उतना अच्छे से नहीं आता है, सो आई डोंट वॉन्ट टू रिस्क माई होल मेकअप फॉर दैट. एंड अभी के लिए फिलहाल हम सिर्फ अपनी आईज को कंसील करते हैं, जो भी डार्क सर्कल्स हैं उनको छुपाते हैं. टेक दिस कोन वाला शेप साइड ताकि ज़्यादा वो ना हो, एंड जस्ट ब्लेंड इट लाइक दैट. फॉर बेकिंग माई कंसीलर आई एम यूजिंग दिस टू फेस्ड लूज पाउडर. नाउ फॉर अप्लाइंग पाउडर आई एम गोना यूज दिस ब्यूटी ब्लेंडर. दिस इज बाय, आई थिंक दिस वन वॉज बाय मेबलिन. ये फ्री आया था मेबलिन के किसी प्रोडक्ट के साथ, तो इसलिए मैं इसको यूज़ कर लेती हूँ, अदरवाइज आई डोंट लाइक इट दैट मच. और फाउंडेशन अप्लाई करने के लिए तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है. सो जब तक ये बेकिंग इन प्रोसेस है आई एम गोना वर्क ऑन माई आईब्रोज. सो फॉर आईब्रोज आई एम यूजिंग दिस बेनिफिट का ब्राउ पेंसिल. दिस इज अ वेरी फेमस ब्राउ पेंसिल बाय बेनिफिट. सो फर्स्ट आई एम गोना ब्रश माई आईब्रोज एंड देन अप्लाई द ब्राउ पेंसिल, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि एक तो आपके ब्राउज को ना एक डिफाइंड वो मिल जाता है कि किस डायरेक्शन में और कैसे आपको अपनी आईब्रो पेंसिल लगानी है. आई एम गोना जस्ट, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि मेरी आईब्रोज अपने आप में काफ़ी ठीक है, मतलब जैसी होनी चाहिए. सो बहुत ज़्यादा इनको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. सो आई एम गोना जस्ट लाइटली फिल माई ब्राउज. जस्ट टेक द सेम ब्रश एंड जस्ट डू इट लाइक दिस. That is done. Now I'm not very good at contouring, but I think this product is something which I absolutely love, because मेरे जैसे नौसीखे को भी इस पर काम करने में कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होती. I'm gonna show you. Okay, so for contouring I'm gonna use this Clinique का chubby stick. This one is really good. अगर आपको बहुत ज़्यादा contour करना नहीं आता है and you do want a defined look on your face, then I think you should definitely try this one, because ये एकदम मक्खन की तरह है, मतलब इतनी आराम से ब्लेंड हो जाता है ना आपके फेस पे. आप इसको बहुत आराम से, यू कैन जस्ट वर्क विद दिस वन एंड मेक श्योर दैट यू पुल इट अप लाइक दिस. मतलब आपको ईयर के ऊपर तक लेके जाना है. आई डोंट नो, कुछ लोगों को, मैं क्या करती हूँ, मैं इसको अप्लाई करने के बाद एंड जस्ट पुल इट अपवर्ड्स रादर देन जस्ट यू नो ब्लेंडिंग इट लाइक दिस. तो मेरे लिए ऐसे वर्क करता है, बट डेफिनेटली हर किसी का अलग स्टाइल होता है करने का. आपके लिए जैसे भी वर्क करें आप वैसे कर सकते हो. आई एम गोना अप्लाई इट ऑन माई नोज एज वेल लिटिल बिट एंड देन दिस एरिया. एंड डोंट वरी, अभी मुझे पता है कि थोड़ा सा ऐसा लग रहा होगा कि कितना हार्श लाइन्स हैं, बट थोड़ी देर बाद आपको ये दिखेगा भी नहीं. एंड दिस इज माई मैजिक ब्लेंडर जो कि मैं हर जगह यूज़ करती हूँ. मुझे नहीं लगता कि इससे अलावा मुझे और कुछ भी यूज़ करने की ज़रूरत है. सो आई एम गोना जस्ट पुल इट अपवर्ड लाइक दैट एंड डू इट. Very natural now. Don't you think? It gives a very natural like contour effect. इस टाइम यहाँ पे आई जस्ट पुल इट डाउनवर्ड्स ताकि बहुत अच्छा सा एकदम नेचुरल सा इफेक्ट आए, बहुत हार्श कुछ ना लगे. एंड गाइज वन मोर थिंग, मैंने आज अपनी नेक पे कोई भी फाउंडेशन कुछ नहीं अप्लाई किया, बिकॉज आई एम जस्ट वेयरिंग दिस हाई नेक टी शर्ट. तो नेक्स्ट थिंग आई एम गोना डू इज ब्रॉन्ज माई फेस. टू बी ऑनेस्ट, मुझे कॉन्टोर से ज़्यादा ब्रॉन्ज करना पसंद है. और अगर आपको एक बहुत ही सिंपल लुक चाहिए देन डोंट कॉन्टोर योर फेस, यू डोंट नीड टू डू दैट. जस्ट गो फॉर अ गुड ब्रॉन्जर, और आप ब्रॉन्जर से ब्रॉन्ज कर सकते हैं, तो आपको वो जो शेडो वाला इफेक्ट है वो बहुत अच्छे से मिल जाएगा. सो फॉर ब्रॉन्ज आई एब्सोल्युटली लव दिस वन. इफ यू आर नॉट वेरी गुड एट कॉन्टोरिंग देन जस्ट गो फॉर अ ब्रॉन्जर, अ गुड ब्रॉन्जर, एंड आई थिंक यू विल बी सॉर्टेड, बिकॉज उससे ज्यादा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है. एंड आई एम जस्ट टेक द एक्स्ट्रा डस्ट अवे एंड आई एम गोना जस्ट गो इन लाइक सर्कुलर मोशन. एंड येस आई डू लाइक अ लिटल बिट ऑफ शेडो ऑन माई फेस, अदरवाइज जो आपका फेस है वो बहुत ही ज़्यादा फ्लैट लगता है. सो आई एम गोना जस्ट अप्लाई इट लाइक दैट इस वाले मोशन में. ओके नाउ सो द ब्रॉन्जिंग पार्ट इज डन. आई थिंक वी हैव क्रिएटेड अ लिटल बिट ऑफ डेप्थ ऑन द फेस. नाउ द ओनली थिंग विच इज लेफ्ट इज हाईलाइटर एंड ब्लश. There are other things left, but I'm gonna do that later. First, let me apply a brush. Okay, so for blush, I'm using this Too Faced ka Natural Face Palette. The packaging of this one is really great. I mean, I really like it. And I think I'm gonna go with pink sand. Though I'm not a big fan of pink like colors. Either I can apply pink sand or this sunny honey. Both of these colors are really beautiful. So it has like a very वॉर्म वाला पिंक और उसके बाद जो सटल वाला पिंक होता है वो भी है इसमें. तो आई थिंक देर इज समथिंग फॉर एवरी वन एंड यू विल नॉट बी डिसअपॉइंटेड
if you'll buy this one. So I'm gonna take my new Real Technique का brush. This is a blush brush. And yes, now I'm gonna apply the Sunny Honey shade on my face. So I'm gonna take little bit of it and mix it with Pink Sand, because I just want a very like subtle blush on my face, not too like pinky, because I think I'm done with like eyes wala kar liya na itna pink, so that is more than enough for me. And I'm just gonna add a very subtle wala pink on my face. Okay, so next thing I'm gonna do is take a highlighter. So this one I'm using by K Beauty. I recently got this one, and you must have seen this in my haul video, I think that was posted sometime back. And now I'm gonna use this highlighter on all the high points of my face, and to be honest, this is hardly like barely visible. Okay, no, it is visible. वो कैमरा पे इतना ज़्यादा, सॉरी, वहाँ दूर वाले मिरर पे इतना ज़्यादा नहीं दिख रहा था, बट दिस वन इज विजिबल. एंड टू बी ऑनेस्ट, अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा यू नो अप्लाई ठीक से नहीं हो रहा है, देन जस्ट टेक योर फिंगर एंड अप्लाई इट लाइक दैट, जहाँ भी यू नीड, यू फील द नीड ऑफ इट. आई एम गोना अप्लाई इट हियर एज वेल, eyeliner on my eyes, and then I'm gonna apply mascara, because rest everything else is done. I'm gonna set it later. Eyes, I have used this eyeliner by NYX Professional. This is my one of the go-to product. I think I really like it and I use it every day. मुझे इसकी बहुत जल्दी refill की ज़रूरत पड़ने वाली है, so I'm gonna get another one. Okay, so for my lower line, I'm using this Plum का काजल. I absolutely love this one. And अगर आप बहुत ज़्यादा किसी expensive product में नहीं invest करना चाहते, then go for this one. This one is a really nice, like smudge नहीं होता है, बहुत ही dark वाला black color है इसका, and it's one of my favorite product by Plum. I'm gonna take this palette again and apply that color again in on my lower eyelid. For mascara, I'm using this mascara by L'Oreal. So this is L'Oreal Voluminous Lash Paradise Mascara. This is again very famous mascara, and I've seen many YouTubers using this one. Okay, so for lipstick, I'm using this one by Smashbox. This is Gulabe, I guess. Because my face is very oily, I'm gonna set this using a powder. एंड जो भी आपको जहाँ भी लगता है कि थोड़ा सा हार्श हो गया है, या फिर फाउंडेशन थोड़ा सा अजीब लग रहा है, ब्लश ज़्यादा हो गया है, हाईलाइटर ज़्यादा हो गया है, वहाँ पे आप थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, जस्ट सेटल एवरीथिंग डाउन. बट मुझे नहीं लगता, मैंने बहुत कम करके सब कुछ लगाया. आई एम यूजिंग NYX का मैट फिनिश फाइन मैट सेटिंग स्प्रे. जस्ट गोना क्लोज माई आई एंड सेट एवरीथिंग. आई मैं इसको थोड़ा सा ड्राई होने के लिए छोड़ दूंगी, और तब तक मैं अपना हेयर और कानों में इयर रिंग्स वगैरह पहन के आती हूँ. एंड आई एम गोना सी यू इन फ्यू सेकेंड्स. ओके गाइज, सो दिस इज हाउ द फाइनल लुक लुक्स लाइक. एंड आई डोंट नो, यू गाइज टेल मी वॉट यू गाइज लाइक इन दिस वीडियो. एंड ऑब्वियसली योर कॉमेंट्स आर मोस्ट वेलकम. अगर आपको लगता है कि कोई भी चीज़ मुझे इस वीडियो में इम्प्रूव करनी चाहिए, या वाइल डूइंग मेकअप मुझे इम्प्रूव करनी चाहिए, देन डोंट हेजिटेट एंड राइट डाउन इन कॉमेंट्स जो आपको लगता है कि मुझे इस तरीके से करना चाहिए था रादर देन इस तरीके से. एंड honestly, I would love to hear your reviews on that. And yes, that is how I do my basic makeup. Like I know ki product kafi sare use ho rahe hain, but overall agar koi dur se dekhega to it's gonna look very basic, like minimal kind of makeup. And yes, I love this kind of look, and hope you like this video. And do let me in the comment section what you guys think about it. I'm gonna see you in my next video. Till then, take care, bye bye.